अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है भाई एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया है, इसकी एंड किसी एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है? लैम्डा। लैम्डा से पहले सबसे पहले हम समझें क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो लैम्डा, लैम्डा क्या है? लैम्डा है क्यू अपॉन एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी लेंथ क्या है? इसकी इनफाइनाइट है, इसका हमें लैम्डा पता है, और हमें इस पी डिस्टा पी पॉइंट पे अपने को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज अपने को पता है कि अगर यही वायर अगर इंफिनिटी तक होता, सेमी ना होके पूरा होता, तो हम कहते यहां से डी डिस्टेंस की डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो कितनी आती? वो आती अपनी लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, यही आती। बट हमें अभी क्या ये इसकी वजह से निकालना है, या फिर इसका हमने हाफ पार्ट किसी ने इसको कट कर दिया है, यहां से मैंने इसको अगर कट कर दिया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बची, हमें ये निकालना है। चलो भाई, अगर हमने कहा कि ये पार्ट अगर पूरा होता तो इसकी वजह से टोटल फील्ड क्या होती इस तरीके से। अरे क्या मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये जो पूरा एंगल था, ये एंगल टोटल कितना था अपना 180 डिग्री। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इस पूरे एंगल को कितने बराबर पार्ट में ब्रेक किया है? 2 बराबर भागों में। अगर मैं नीचे वाले को एक अलग मानूं और ऊपर वाले पार्ट को एक अलग मानूं, तो हमने कहा कि आधा पार्ट ये वाला है और आधा पार्ट ये वाला है। क्या इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट ये है अब डायरेक्शन अपनी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं इस अपर हाफ की वजह से जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो मान लेते हैं आ रही है ई डैश, तो अगर आप ध्यान से सिमेट्री से देखेंगे तो हम कहेंगे भाई साहब की टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर इसने 180 को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया तो ये 90 को कितने बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, 2, तो हमने कहा ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। मान लो ये फील्ड है ई डैश, ऐसे ही इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी, उसका भी मैग्नीट्यूड तो ई डैश ही होगा, और क्या ये भी इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा 45 45। हमने कहा इन दोनों का जो रिजल्टेंट आना है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता है। अच्छा, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा इसको हम 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ऊपर वाले का हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा ई डैश साइन 45 डिग्री और इस साइड आएगा इसका कंपोनेंट कितना, ई डैश कॉस 45 डिग्री। अगर नीचे वाले को मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा कितना, ई डैश साइन या कॉस दोनों एक ही बात है, तो मैं अगर कॉस ना लिख के इसको साइन लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, साइन 45 डिग्री। इसी तरीके से इसका इधर क्या कंपोनेंट आएगा, ई डैश कॉस 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्या वेक्टर है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हमने कहा ये एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, यानी कि जो हमारा ई है वो ई क्या है, ई हमारा है ई डैश कॉस 45 प्लस ई डैश कॉस 45 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं 2 ई डैश कॉस 45 डिग्री।
E डैश की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, हमने कहा E डैश की वैल्यू क्या आएगी, E बाई टू कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट टू। जैसे हमने 1 अपॉन रूट टू लिखा, ये क्या 1 अपॉन रूट टू, रूट टू से एक बार रूट टू जाएगा, यहां क्या रूट टू बचेगा, तो हमने कहा ये वैल्यू है कितनी, ई अपॉन रूट टू। यानी अपना जो यहाँ पे फील्ड आई है, फील्ड सबसे पहली बात तो इस पूरे पार्ट को क्या करेगी, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये फील्ड कितनी आएगी, ई, ई की वैल्यू क्या है अपने पास, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, यानी ई डैश की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो क्या ये वाली फील्ड यहां पे आई लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये रहा अपना आंसर।